Padosan. Order, order. Clerk of the court. Read the charges. मुजरिम संजय त्रिपाठी, बाप का नाम गुलाब चंद्र त्रिपाठी, दादा का नाम नहीं मालूम। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने एक पराई जात की लड़की लीसा, बाप का नाम और सरनेम लापता है, के साथ लफड़ा किया है। मुजरिम को इल्जाम कबूल है? नहीं योर ऑनर, मैंने प्यार किया है और प्यार को लफड़ा कहना दुनिया भर के दिल वालों की तौहीन है। दुनिया भर के दिल वालों की दलाली करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझे? प्रोसिक्यूशन कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अबे प्यार के दुश्मन, तेरी बीवी तेरे को घास नहीं डालती, उसकी फ्रस्ट्रेशन इस पर क्यों निकाल रहा है? अरे ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अदालत ने कब कहा तुम फ्रस्ट्रेटेड हो? माफ करना जज साहब, मेरा सर जरा दूसरे ट्रैक पर चल रहा था। जज साहब, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये प्यार नहीं लफड़ा ही है। अरे किसी भोली भाली लड़की को बाग में पेड़ की आड़ में मिलना और इस आड़ के क्या फायदे होते वो तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सर ये लफड़ा ही है प्यार। अरे जज साहब, प्यार कितनी बड़ी चीज होती है। प्यार तो मनोज कुमार की फिल्मों में दिखाया जाता, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी हीरोइन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अरे प्यार तो राजेंद्र कुमार जी किया करते थे अपनी हीरोइन से 10 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करके। प्यार, अरे प्यार तो दिलीप साहब किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जब भी किसी को आई लव यू कहा अपनी आंखें बंद करके ही कहा। अबे गधे, खान साहब तो आई हेट यू भी अपनी आंखें बंद करके ही बोलते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार को खामखा इस केस में घसीट कर केस को ओवर बजट कर रहा है। सैटेलाइट एज में ब्लैक एंड व्हाइट लव स्टोरी का क्या काम है योर ऑनर? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन जो रिटायर्ड होकर घर पे बैठा है, या वो जो सीरियल्स में मोल मजदूरी करते हैं, उन कलाकारों का कीमती वक्त इस केस में बर्बाद न किया जाए। एक बात समझ लो, अगर तुम ये केस हार गए तो पूरा हफ्ता मौन व्रत रखूंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए मुझे। ओके। मेरे चाचा की लड़की को अपने बच्चों की चाची बनाना है। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जज साहब, जज साहब जरा बताइए, हम किस देश के बासी हैं? अरे हम उस देश के बासी है जिस देश में गंगा बहती है। और हमारे देश की ये परंपरा है कि शादी से पहले लड़के लड़की के संबंध नाजायज है, नापाक है, लफड़ा है। इसलिए जज साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुजरिम को मजनू की तरह तड़ीपार करके लैला से दूर कर दिया जाए, या तो इसकी लैला को पंक्चर वाले टायर की ट्यूब देकर किसी 5-स्टार होटल के स्विमिंग पूल में सोहनी की तरह डुबा दिया जाए, ताकि यहां बैठी हुई हमारी नस्ल जिंदगी में किसी के साथ प्यार भरे गीत गाने की जरूरत न करें। That's all your honor. उल्लू की पट्टी। प्यार के दुश्मन, खबरदार जो मुझ पर बैठने की कोशिश की तो। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर। डिफेंस को कुछ कहना है? यस योर ऑनर। प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे काबिल जज ने जो तकसीर की है उसमें कोई नई बात नहीं है। जो बकवास 1942 से लेकर 1995 तक के सभी फ्लॉप लव स्टोरी के विलन करते आए हैं, वही बकवास इन्होंने भी की है। मैं अदालत से पूछना चाहूंगी कि क्या हम मैंने प्यार किया के कबूतर से भी कमजोर हैं? हम आपके है कौन के कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, तो फिर क्यों हम इनके प्यार को लफड़ा समझकर इनके दिल के पावभाजी बनाने चले हैं? मुजरिम का ये कहना है कि वो लिसा से शादी करना चाहता है, और ये इसी बात का सबूत है कि ये उससे सच्चा प्यार करता है, और सच्चा प्यार करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगी, इससे पहले ये कुछ करे, क्यों ना हम इनकी शादी करा दे।
That's all, Your Honor. बोल दिया, करा दे शादी। ये भी कभी सोचा है उसकी जात क्या है, खानदान कैसा है, कैसे रहेगी इस घर में, कैसे खाएगी? जैसे तुम रहती हो, जैसे हम खाते हैं। और रही धर्म की बात, तो इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। चुप रहिए जी, ये फिल्मी बातें कहीं और जाकर करना। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी चालबाजी। अरे चालबाजी तो तुम्हारी है, तुमने अपने पति को भड़का कर इसलिए शादी के खिलाफ किया है कि तुम अपने चाचा की आवारा और गवार लड़की को इस घर में घुसा सको। और तुम नहीं थी अपनी बुआ की बिगड़ी हुई बेटी को देवर जी के गले में लटकाने के चक्कर में? वो तो नसीब इसके अच्छे कि वही बस कंडक्टर के साथ भाग गई। हाँ? लेकिन बस कंडक्टर को भागने की क्या जरूरत पड़ी, वो तो बस में बैठ कर मुफ्त में जा सकते हैं। अरे बुद्धू, वो जाने दे, ये सोच कि अपने बेकार चाचा का नसीब लड़कियों के मामले में कितना तेज है। तू चुप कर, मेरी बुआ की बेटी तो बस कंडक्टर के साथ भाग गई, पर तेरी चाचा की चमेली तो म्युनिसिपैलिटी के गार्डन के माली के चक्कर में है। अरे बाबा रो किन दोनों को, नहीं तो दोनों भाइयों के ससुराल के लफड़े बीबीसी पर आ जाएंगे। ठीक है, अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो जी, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे तुम क्या दूध का दूध और पानी का पानी करोगी, मुझे सब पता है। रात में उठकर चुपचाप रसोई में दूध पीकर उसे पानी डाल के रखती है, मुझे सब पता है। और ऊपर से सती सावित्री बनती है, यानी कि तुम मुझ पर जासूसी भी करती हो। ये लो, तुम कौन सी लेडी डायना हो जो तुम पर जासूसी करे? चोर की गाड़ी में तिनका तो देख ही जाता है। इससे पहले कि ये दोनों औरतें एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर हमारी इज्जतदार दीवारों का मॉडर्न पेंटिंग बना दे, रोको इन दोनों को, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। संजना, क्या कर रहे हो? अंदर चलो, फुटपाथ पर घर बसाने का इरादा है क्या? अरे सच बोल रही हूँ, सच बोलने पर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाऊंगी। तूने सच नहीं बोला, बिच्छू के दुम पर पाँव रखा है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा डसा पानी तक नहीं मांगता। मुझे सिखा रही है बड़ी रूम है। दादाजी, अदालत का तो अखाड़ा बन गया। अब मेरा क्या होगा बाबूजी?